हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, क्लास इलेवेंथ मैथ जो आपका फिजिक्स है, चैप्टर आपका है मात्रक मापन और त्रुटि विश्लेषण के पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं ज़्यादा नहीं कराऊँगा, सिर्फ पांच कराऊँगा। ये पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही रिपीट होते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। और या तो ये आएंगे या फिर इससे मिलते जुलते आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन ये पाँच मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको ज़रूर करना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं जल को गर्म करने पर उसका तापमान पहले इतना था, ठीक है, उसके बाद इतना हो जाता है। जल के ताप में वृद्धि के अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? प्रतिशत त्रुटि हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या दिया हुआ है हमें, हल में आ जाऊँ। दिया है, ठीक है। सबसे पहले हमें देखो, ताप ताप में वृद्धि पहले कितना था बच्चों? पहले देखो ये 30 था, फिर 40 हुआ, ताप में वृद्धि कितनी हुआ? ताप में वृद्धि थीटा मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा 2 माइनस के थीटा 1। थीटा 2 हमारे पास 40 है और पहले हमारे पास 30 था, तो कितना आ गया? 10, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो त्रुटियां हैं, ये जो प्लस में लिखा हुआ है ना, ये त्रुटि है, तो अधिकतम त्रुटि अब निकालनी है, ठीक है। तापांतर में अधिकतम अधिकतम लेना है, ठीक है। अधिकतम बोला है तो आपको जोड़ना पड़ेगा, अधिकतम संभावित त्रुटि, ठीक है। अधिकतम बोला है, अधिकतम त्रुटि यानी कि ये जो त्रुटि है और ये जो त्रुटि है, इनको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.2 प्लस 0.1, तो ये आ जाएगा 0.3 डिग्री सेल्सियस। ये त्रुटि आ गई हमारे पास, यानी कि ये हमारा क्या डेल थीटा है और ये हमारा थीटा था, ठीक है। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है? प्रश्नानुसार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दो नंबर में आ सकता है एग्जाम में। हमें निकालना है ताप वृद्धि में, प्रश्नानुसार ताप वृद्धि में अधिकतम, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना बेटा एग्जाम में, आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना, अधिकतम संभावित संभावित प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। तो त्रुटि सूत्र क्या हो जाता है? सूत्र हो जाएगा डेल थीटा बट्टे थीटा गुणा 100। तो डेल थीटा हमारे पास कितना है बच्चों? डेल थीटा हमारे पास 0.3, थीटा हमारे पास है 10 और यहाँ पे आ जाएगा 100। दशमलव हटाओगे, यहाँ एक स्थान एक जीरो बढ़ जाएगा, 100 से 100 कटा, 3 बचा। सो आंसर कितना आ जाएगा? 3%, ठीक है। ताप वृद्धि में जो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है वो कितनी है? 3% है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमसे क्या बोल रहे हैं? किसी तनी हुई डोरी के तनाव बल में 10% की वृद्धि कर देने पर उसमें बनने वाली अनुप्रस्थ तरंग की चाल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। कितने प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा वो चीज़ हमें निकालनी है। और तनी हुई डोरी के तनाव बल में 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। हल में आ जाऊँ। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ हम लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट। तुम क्या जानते हो बेटा? तुम जानते हो कुछ सूत्र तो आपको याद रखने पड़ेंगे ना। तनी डोरी में बनने वाली अनुप्रस्थ तरंगों की चाल है ना, इसका चाल v बराबर क्या होता है? अंडर रूट के अंदर t बट्टे m, ठीक है। t क्या होता है? जहाँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जहाँ ये जो t है वो तार में तनाव बल है, तार में तनाव, t फॉर टेंशन होता है, तनाव। और m क्या है बच्चा? m आपका क्या है? तार की
एकांक लंबाई का द्रव्यमान। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अब आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट चीज में। हमें क्या बोला है कि हमें क्या निकालना है, प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, हमसे क्या बोला गया है, प्रतिशत निकालिए, त्रुटि प्रतिशत। तो त्रुटि प्रतिशत हम निकालेंगे, उसके लिए क्या होगा, सो यहाँ वी है तो इधर हो जाएगा डेल वी बट्टा वी गुणा सौ। ये फॉर्मूला पता ही होगा, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, एक बट्टा दो। ठीक है, टी यहाँ इसका मतलब क्या है, टी बट्टे एम की घात एक बट्टे दो, है ना। तो एक बट्टा दो सामने आ जाएगा और टी का क्या हो जाएगा, डेल टी बट्टे टी गुणा सौ। ठीक है, तनाव की बात कर रहे हैं तो एम कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का नहीं निकाला जाता है, तो यहीं तक रखना है। अब आगे आ जाओ, एक बट्टा दो है। ठीक है, एक बट्टा दो है और ये चीज़ हमें क्या दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखा है, किसी तनी हुई डोरी में तनाव बल में 10% की वृद्धि कर देने पर। तो ये चीज़ हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, 10%। तो इसके जगह पे क्या रख देना है, 10%, 10 तो काटोगे, 2 × 5 = 10, सो आंसर आ जाएगा 5%। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 5%। तनाव बल में जो, यहाँ देखो, किसी तनी हुई डोरी के तनाव बल में 10% की वृद्धि कर देने पर, ये 10% की वृद्धि कर देने पर उस पर बनने वाले अनुप्रस्थ तरंग की चाल में, ठीक है, चाल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, वही तो निकालना है। ये चाल मतलब वी में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, 5% होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कांच की एक प्लेट की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर है, प्लेट के क्षेत्रफल के मापन में हुई अधिकतम संभावित त्रुटि क्या होगी। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है और ये जो दोनों क्वेश्चन है अगर आएंगे, ये बार बार रिपीट होता है, ये वाला क्वेश्चन तो हर साल रिपीट होता है, 5 नंबर में, एक दो नंबर में नहीं, सबसे बड़े नंबर में आता है। ठीक है, या तो 5वां या फिर ये 4था, हर साल आते हैं। तो उससे पहले तीसरा देख रहे हैं हम, कह रहे हैं कांच की एक प्लेट की लंबाई, प्लेट जानते हैं, कांच की एक प्लेट है जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी और इतनी है, प्लेट के क्षेत्रफल में मापन हुई अधिकतम संभावित त्रुटि क्या होगी, वो आपको निकालना है। तो देखो, कांच का जो प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम ए से दर्शाते हैं, सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। भिन्नात्मक त्रुटि पहले हम निकालते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि निकालो तो प्रतिशत त्रुटि आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो अगर इसकी भिन्नात्मक त्रुटि हम निकालें, है ना, तो क्या होगा, डेल ए बट्टे ए, और यहाँ से आ जाएगा डेल एल बट्टे एल, एल से बी में आए, एक से दूसरे जब में जाते हैं, जब जोड़ का चिन्ह लग जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा डेल बी बट्टे बी। ये डेल एल क्या होता है, एल में त्रुटि, बी में त्रुटि, बी में तो चौड़ाई में त्रुटि, एल का मतलब लंबाई में त्रुटि। ठीक है, कितनी त्रुटि है, ये चीज़ आपको दी नहीं हुई है, डेल एल और डेल बी दी नहीं हुए, ये आपको अपने से मानना पड़ेगा। आपको क्या दे रखा है बेटा, आपको दे रखा है एल लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, आपको बी दे रखा है चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ और ये चीज़ हमें नहीं दी हुई, दोनों को सेम मान लेंगे, माना डेल एल और डेल बी, बहुत ही कम परिवर्तन होता है, तो हम अपने हिसाब से मैं मान लेता हूँ कि 0.1 सेंटीमीटर ना के बराबर छोटा सा परिवर्तन हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ रख देंगे 0.1, एल का मान है 3.5, यहाँ रख देंगे 0.1 और इसका मान है 1.5, 0.1 स्थान के बाद इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो 0.1 से 0.1 हट जाएंगे, 0.1 से 0.1 हटा, 0.1 से 0.1 हटा,
यह आ जाएगा 1/35 और यह आ जाएगा 1/15। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपको इसको हल करना है। लॉ शपा ले लोगे 35 और 15। ठीक है, क्या आ जाएगा 35 × 15 और ऊपर आ जाएगा 15 × 1 = 15, 35 × 35 तो 5 और 5 = 10, 3 और 1 = 4 और 5। ठीक है, 15 × 5 = 75, 7 × 15 = 45 और 7 = 52। जब इसको भाग दे देंगे 50 को 525 से, सो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.09523। इतना आ जाएगा। इधर क्या है, डेल ए अपॉन ए। लेकिन आपको ये नहीं निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल के मापन में हुई अधिकतम संभावित त्रुटि, यानी कि सिर्फ डेल ए निकालना है। ठीक है, डेल ए निकालना है। अब आगे आगे हल करना है हमें, तो डेल ए क्या हो जाएगा, डेल ए हो जाएगा 0.09523 × a। ठीक है, तो यह 0.09523, ए का मतलब क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई का मान दे रखा है, लंबाई का मान दे रखा है 3.5, चौड़ाई का मान दे रखा है 1.5। इन तीनों को आपस में गुणा कर दोगे, ठीक है, सो आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा 0.5 cm². ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़े बड़े मार्क्स में आते हैं हर साल। इस क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे, सरल लोलक के एक प्रयोग में एक छात्र ने लोलक के आवर्तकाल के लिए कुल 5 प्रेक्षण प्राप्त किए। छात्र द्वारा लिए गए 5 प्रेक्षण इस प्रकार हैं, इतना 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 सेकंड। इन प्रेक्षणों की सहायता से निम्नलिखित की गणना कीजिए। औसत आवर्तकाल, ठीक है, या आवर्तकाल का सर्वाधिक यथार्थ मान, प्रत्येक प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि, औसत निरपेक्ष त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि, ये सभी चीज़ आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वाला पार्ट पे आ जाओ। क्या निकालना है, औसत आवर्तकाल। औसत आवर्तकाल क्या होते हैं, टी मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, T1 + T2 + T3 T4, कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, T5 पाँच है, 5/5 आ जाएगा। मान रखो पहला दे रखा है 2.63, फिर दे रखा है 2.56, फिर दे रखा है 2.42, फिर आपको दे रखा है 2.73 71, फिर आपको दे रखा है 2.80 × 5। ऊपर सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा 13.12, 5 से भाग दे दोगे सो आंसर आ जाएगा 2.624 सेकेंड। तो इसको सिंपली 2.62 भी लिख सकते हैं हम, सेकेंड। ठीक है, ये आपका पहला आंसर आ गया, दशमलव के 2 स्थान तक ही लिया मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत कोई नहीं है। पहला पार्ट तो हमारा फटाक से निकल गया। अब आ जाओ सेकेंड वाले पार्ट में। सेकेंड वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है, प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रत्येक प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि। तो अभी देखो हमारा जो क्या यार, हमारा जो अभी टी आया है, औसत आवर्तकाल ये आया है। अब प्रत्येक प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि अगर निकालनी है ना, तो हर एक T1, T2, T3 को इसमें से घटाते जाओ, आपको आपका आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, चूंकि सर्वाधिक यथार्थ मान, ठीक है, यथार्थ मान 2.62 है, इसलिए भिन्न भिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियां, सो पहला निकालोगे निरपेक्ष त्रुटि को, हम A1 से परसेंट करते हैं, डेल A1
तो वो 2.62 में से हमें क्या माइनस करना होगा, ये 2.63, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.01 सेकेंड। फिर आपको निकालना डेल ए टू, ठीक है, 2.62 में से क्या माइनस होगा, 2.56, ठीक है, 2.56 माइनस करोगे तो बचेगा 0.06 सेकेंड। फिर निकालना डेल ए थ्री, तो 2.62 में से माइनस करेंगे, तीसरा क्या 2.42, तो ये आपको मिलेगा 0.20 सेकेंड। फिर आपको निकालना डेल ए फोर, तो 2.62 में से माइनस करना है आपका कितना, 2.71, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.09 सेकेंड। और लास्ट ए फाइव, 2.62 में से माइनस करना है आपको कितना, 2.80, तो ये आ जाएगा माइनस के 0.18 सेकेंड। ये हमें मिल गए प्रत्येक परीक्षण के निरपेक्ष त्रुटि के मान, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया, औसत निरपेक्ष त्रुटि निकालो। ये तुमने निरपेक्ष त्रुटि निकाली है, इनका अब क्या निकाल देना है, औसत। लेकिन जो मान माइनस में भी आए ना, उनको प्लस में लिया जाता है, ये ध्यान रखना। तीसरा वाला औसत निरपेक्ष त्रुटि, इसका जो सूत्र होता है, ये क्या होता है, मॉडुलस में डेल ए वन, मॉडुलस में, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, जो माइनस में है उसे प्लस में लिखो, और जो प्लस में है उसे माइनस में लिखना, प्लस में है उसे प्लस में ही लिखना है, जो माइनस का है उसे भी प्लस में लिखना है। ठीक है, पांचवें प्रेक्षण पट्टे में पांच आ जाएगा। अब सबके मान रखेंगे हम, पहला आ जाएगा 0.01, फिर आ जाएगा माइनस का भी प्लस का लिख देते हैं, दिख रहा है ना, ये सारे मान मैं उठा के रख रहा हूँ, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 0.09, फिर आ जाएगा 0.18, बट्टे में पाँच, ठीक है, सबको जोड़ देंगे 0.54 बट्टे में पाँच, पाँच से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.108, आठ है तो बढ़ा के लिख देते हैं, तो 0.11 लिख दो, नहीं 10 में एक, ये 10 है इसमें एक जोड़ देंगे, 11 हो जाएगा इतना सेकंड, ठीक है, 0.01 के दूसरे स्थान तक हमने मान ले लिया, तो ये आ गया औसत निरपेक्ष त्रुटि कितने आएगा, 0.11, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, भिन्नात्मक त्रुटि। चौथे वाले पार्ट में हमें निकालना है भिन्नात्मक त्रुटि, तो भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगा, डेल ए बट्टे में, तो डेल ए का मान कितना आ गया है, ये आया है 0.11, और अपॉन में ए का मान कितना आया था हमारे पास, अभी हमने ए का मान निकाला था ना स्टार्टिंग में, 2.62 था, 0.02 स्थान के बाद, 0.02 स्थान के बाद हट गया, 11/2.62, ठीक है, भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.04, 0.02 स्थान तक, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, प्रतिशत त्रुटि, पांचवें पार्ट में प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगा, डेल ए बट्टा ए गुणा 100, तो ये आ जाएगा 0.04, ये इसका मान ऑलरेडी निकाल चुके हैं आप, और गुणे में 100, गुणे में 100 यानी कि हल करेंगे 0.02 स्थान के बाद लगेगा, तो 4 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4%, आराम से सॉल्व हो गया। जो पांचवा क्वेश्चन है वो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं एक भौतिक राशि, चार मापित राशि ए बी सी डी इस प्रकार संबंधित है कि ये सूत्र है, ठीक है, पी बराबर ए बी सी डी के मापों की जो प्रतिशत त्रुटियां हैं वो दे रखी है क्रमशः एक
3, 4, 2%, मतलब ए की प्रतिशत त्रुटि 1 है, बी की प्रतिशत त्रुटि 3 है, सी का 4 है और डी का 2% है। राशि पी के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि गणना द्वारा पी का मान 3.763 प्राप्त हो तो आप इसे कितने मान तक पूर्ण करेंगे। ठीक है, ये चीज़ बोली गई है, तो काफ़ी शानदार जानदार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बार 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 रिपीट होता है। ठीक है, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को हमें। तो सबसे पहले देखो, हमें जो क्वेश्चन में पी दे रखा है ना, जो सूत्र में दे रखा है पी, हमें दे रखा है 1 की घात 3 b² बट्टे में, फिर आपका डी है और फिर आपका अंडर रूट सी है। ठीक है, अगर आप पी के भिन्नात्मक त्रुटि निकालें, पी के मान में भिन्नात्मक त्रुटि, तो वो क्या होगी बेटा, वो डेल पी, इधर पी हो जाएगा, 1 की घात में कितना है 3, जो घात होता है वो सामने आ जाता है, ये हो जाएगा डेल ए बट्टे ए, फिर आपका एक पद से दूसरी चीज़ में जाते हैं तो प्लस लग जाता है, बी की घात में 2 है तो 2 सामने आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल बी बट्टे बी, फिर बट्टे हैं। ठीक है, फिर बट्टे हैं तो देखो यहाँ सी है, सी के घात में अंडर रूट है, बट्टे में जैसे ऊपर वाले का तो प्लस लगता है, बट्टे में वाले नहीं लेते ही तो माइनस लग जाता है, अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2, कोई भी चीज़ है अंडर रूट होता है तो अंडर रूट का मतलब होता है घात में 2, तो सी को पहले लिख देंगे तो डेल सी बट्टे सी हो जाएगा, और ये सी डी के घात में 1 है तो ये माइनस आ जाएगा डेल डी बट्टे डी। ये तो भिन्नात्मक त्रुटि हुई, लेकिन हमसे बोला गया अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालो। ठीक है, प्रश्नानुसार पी के मान में अधिकतम, अधिकतम जैसे ही बोलेगा ना तो सारे नेगेटिव चिन्ह प्लस में हो जाएंगे, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेल पी बट्टे पी। ठीक है, अधिकतम यानी कि यहाँ मैक्सिमम लिख देना पड़ रहा है, प्रतिशत त्रुटि गुणे में 100 लग जाएगा, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 3 है और ये हो जाएगा आपका डेल ए बट्टे ए गुणा 100, फिर यहाँ से 2 था डेल बी बट्टे बी गुणा 100। अब यहाँ पर आपका प्लस में ही है अभी, ठीक है, ये नेगेटिव चिन्ह, नेगेटिव चिन्ह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा अब, क्योंकि अधिकतम बोला है। ठीक है, और ये भी हो जाएगा डेल डी बट्टे डी गुणा 100, कोई दिक्कत नहीं। अब इन सब के मान दे रखे हैं, ए की प्रतिशत त्रुटि कितनी है 1%, तो 3 × 1%। ठीक है, फिर इसका मान बी में क्या दे रखा है, बी के पर दे रखा है आपका 3%। ठीक है, फिर 1/2, फिर दे रखा है आपको 4%। ठीक है, और फिर आपको दे रखा है कितना 2%, तो 2 × 2 सो ये आ गया 3 × 3 2 × 3 6 2 और 2। ठीक है, तो कुल मिला के कितने हो गए 13%। ठीक है, कितना हो गया 13% हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक हल नहीं हुआ है, आपको दे रखा है, देखो मान दे रखा है, पी का मान 3.763 प्राप्त हो, पी का मान आपको क्या दे रखा है 3.763 ये दे रखा है। ठीक है, सो देखो आपको क्या निकालना है, राशि पी के मान की अधिकतम त्रुटि यानी कि डेल पी का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो इधर से डेल पी रहेगा, ये बट्टे में पी है, इधर आके क्या जाएगा गुणे में, तो यहाँ 13% है, गुणे में कितना लग गया पी, और बट ये 100 गुणे में, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में। ठीक है, तो पी का मान, और ये 13% है ना, तो 13 ही लिखेंगे यहाँ पर, सिर्फ परसेंट हटाओ कैलकुलेशन के टाइम पे 13, और पी का मान दे रखा 3.763 और ये बट्टे में 100। ठीक है, अब 100 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.13 और ये 3.763, इनको जब गुणा करोगे तो 0.48919 आएगा, और दशमलव के दो स्थान तक लिखो, देखो 8 से 1 बड़ा है, बढ़ा के लिखेंगे तो लगभग इसका जो मान आ जाएगा
0.5 लगभग आ जाएगा, लगभग लिख देना यहाँ पर आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फिर क्या बोल रहे, तो आप इसे कितने मान तक पूर्ण करेंगे, अब ये बात भी रखनी है हमें, कितने मान तक पूर्ण करेंगे, ठीक है। जो पी के मान में जो त्रुटि है दशमलव के प्रथम स्थान तक ही है, देखो ये 0.5 एक ही स्थान तक है इसकी जो त्रुटि है, ठीक है। तो इसको आप कैसे हल कर सकते हैं, देखो अब आपको क्या करना है, इसलिए जो पी आपका है यहाँ पर देखो 3.763 है ना, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3.8 दशमलव के एक स्थान तक। तो जो अंतिम परिणाम है, अतः अंतिम परिणाम, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 3.8, और ये जो आया है इसी की कमी है, या तो प्लस में कुछ कमी आ रही होगी या माइनस में, कमी तो प्लस माइनस में ही होती है, अधिक हो सकता है या फिर कम हो सकता है, इतना ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वो एग्ज़ाम में बार 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 पूछा जाता है। तो हर टाइप के मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझा दिए, आशा करता हूँ हर एक क्वेश्चन समझ में आ रखा होगा। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बाकी सभी चीज़ें बना रखिए, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पर।